अब संसार सुहाना है, अब संसार सुहाना है। पहचाना? पहचाना आपने मुझे? नहीं। कौन हूँ मैं? अरे नहीं पहचाना? अरे आप लोग सोच रहे होंगे ना कि ये कौन है जो इतना खुश हो रहा है? अरे मेरी इस खुशी का कारण मैं नहीं, तुम लोग हो। आप पहचानो कौन हूँ मैं? मैं हूँ कूड़े का ढेर। ये देखो ये सब मैं ही तो हूँ, सिर्फ मैं। और भी अरे मैं आपकी ही तो उपज हूँ, मेरे बिना तो आपका कोई काम नहीं हो सकता, चाहे राशन लाना हो या सब्जी लाना हो। हमारे तो कुछ काम ही नहीं होता। और हाँ आगे आगे देखो होता है क्या। संसार सुहाना है, अच्छा संसार सुहाना है, यहाँ अपना ही जमाना है, यहाँ अपना ही जमाना है, अच्छा संसार सुहाना है, अच्छा संसार सुहाना है, यहाँ अपना ही जमाना है। अरे आज तो ऑफिस के लिए बहुत लेट हो गई। अरे छी, अरे किसने फेंक दिए गंदगी? अभी तो ऑफिस के लिए तैयार होके निकला था यार। अरे भाई जी क्या हो गया? अरे देखो यार किसने कपड़े गंदे कर दिए पूरे। अरे कौन है बदतमीज भाई जी, क्या हो गया? अरे देख के पूछो यार भाई जी। अरे सुबह सुबह कूड़े का ढेर किसने रख दिया मेरे घर के सामने? कैसे गंदे लोग हैं इस मोहल्ले के, कूड़ा करके मेरे घर में डाल देते हैं। अरे भाई साहब क्या हो गया? अरे सुबह देखो भाई जी, सुबह सुबह दरवाजा खोला तो कूड़ा देखने को मिला। अब बताओ क्या करूं मैं, इनका रोज रोज का ड्रामा हो गया है। अब तो मैं जाके इनमें केस कर दूंगा भाई थाने में। केस क्यों करोगे भाई? ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अरे भाई जी नहीं, ये बिना केस के तो मानने वाले नहीं है। अभी जाता हूँ मैं थाने में। अरे भाई साहब। अरे नहीं भाई जी, अरे केस वेस के चक्कर में मत पड़ो आप। अरे नहीं भाई जी, मैं तो कहता हूँ कि आपस में सबको बुला के मामला सुलझा दो। अरे हाँ आपस में, ये बिना बात के छोड़ना मारे। अभी जाता हूँ थाने सिनारा थाने में, फिर मैं केस करता हूँ। तो देखा आप लोगों ने, अभी तक तो हम केवल प्रदूषण का जहर फैला रहे थे, लेकिन अब हम समाज के अंदर नफरत का जहर भी फैलाने लग गए। सही कहा भाई, अगर यही हाल रहा तो एक दिन पूरे संसार में हमारा ही साम्राज्य होगा। और हमारी इस ताकत का कारण ये लोग होंगे। चलो चलो, अजब संसार सुहाना है, अजब संसार सुहाना है, यहाँ अपना ही जमाना है, यहाँ अपना ही जमाना है। बड़े बड़े सौकार यहाँ है, बड़े बड़े सौकार यहाँ है, इनके बिन अब काम कहाँ है, इनके बिन अब काम कहाँ है, इन्हीं से काम चलाना है, इन्हीं से काम चलाना है।
था, रबड़े हैं और सब ठीक ठाक है ना। अरे यार घर से कुछ खाने के लिए लाया था। अरे खाते हैं आराम से, कुरकुरे खाते हैं भाई जी। लो दाल कुरकुरे लेके आया। अरे बताओ यार कैसी बात कर दी। और सब बढ़िया, और सुनाओ कैसे क्या चला था। बात ठीक है ठीक है, आओ बताओ। अरे यार मेरा फोन आ रहा है, एक मिनट को जरा। हाँ परवीन भाई, हाँ आ रहा हूँ, दो मिनट बस आ गया भाई, दो मिनट रुको बस। चलो यार लेट हो गई, मेरा काम है थोड़ा, चला जाना रवि। इसको भेज दे, नहीं भेज दे, आपको चलना नहीं है, भेज दे इसको, देख दे। चलो चल जा। अरे भाई भाई रुको रुको रुको, क्या हो गया, क्या कर रहे हो तुम ये? भाई जी हमने कुरकुरे खाए भाई जी। और जी सर सरकार को पता चल गया ना, तुम्हें तुम्हें जेल और सजा दोनों। जेल ये है आपका पूरे दांत और इसमें डाल। चलो अरे भाई जी हमें पता नहीं था भाई, थोड़ा जल्दी माफ कर दो भाई साहब, जल्दी करो और आईना से ये गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई ठीक है। संसार सुहाना है, यहाँ अपना ही जमाना है, लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कराने की रैली है। अच्छा। देख रहे हैं आप देख रहे हैं आपके आसपास कितनी गंदगी हो रखी है, और ये पॉलिथीन सबसे ज्यादा कूड़ा तो ये पॉलिथीन करता है। बुला याद ये समझ को फेर चे, भारत सरकार ने प्रदूषण के प्रति बहुत सारे अभियान चलाए हैं, और जब तुम्हारे पास पॉलिथीन नहीं थी तब तुम्हारा कोई काम नहीं होता था। तुम पॉलिथीन की जगह कपास कागज से बनी थैलियों का उपयोग कर सकते हैं। पॉलिथीन से कैंसर होता है, और पॉलिथीन अगर जमीन में पड़ती है ना तो उपज भी कम हो जाती है। ठीक है ठीक है, बस तो चलो मेरे साथ चलो और बोलो, पर्यावरण बचाना है, प्रदूषण मिटाना है, पर्यावरण बचाना है, प्रदूषण मिटाना है, पर्यावरण बचाना है, प्रदूषण मिटाना है, पर्यावरण बनाना है, नगर स्वच्छ बनाना है, पॉलिथीन भगाना है, नगर स्वच्छ बनाना है, पर्यावरण बचाना है, प्रदूषण मिटाना है, पर्यावरण बचाना है, प्रदूषण मिटाना है, पर्यावरण बचाना है, प्रदूषण मिटाना है। घरों घरों माँ घोसलीपी की दीवा बनी गई, घरों घरों माँ घोसलीपी की दीवा बनी गई, अरे देश माँ स्वच्छता अभियान चली गई, अरे देश माँ स्वच्छता अभियान चली गई, घरों घरों माँ घोसलीपी की दीवा बनी गई, अरे घरों घरों माँ घोसलीपी की दीवा बनी गई। देखा आप लोगों ने, हमारी गंदगी फैलाने से सिर्फ हम नहीं समाज और देश सब गंदे होते हैं, तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हम ना खुद गंदगी करें और ना अपने आसपास गंदगी होने दें। एक छोटी सी बात, हम कोई भी छोटे छोटे काम करते हैं जैसे टॉफी खाना और रैपर बाहर फेंक देना, या कुछ भी चीज का यूज करना और पॉलिथीन को इधर उधर फेंक देना, तो हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना होगा कि हम इस तरह की गलतियां ना करें, क्योंकि हमारा एक छोटा सा कदम हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे परिवार को और हमको स्वच्छ बनाए रखने में मदद कर सकता है। जनाब बंदे के अभी स्वच्छता का प्रति हमारा कार्यक्रम, मेरी आप लोगों से विनती छ कि जो भी आपका घर में जैविक अजैविक कूड़ा होंदू वैसे ने आप कूड़ेदान में डालो। जब नगर पालिका बनाई छ तुम केले निभाए करना करो, ताकि हमारो पर्यावरण स्वच्छ रहो, और पर्यावरण स्वच्छ रहो तो आपको स्वास्थ्य देखना वाला आजकल का था बुखार सुनो ना, ये सब कूड़ा की वजह से।
आप से हाथ जोड़ी विनती च कि आप जो भी कूड़ा होंगे वे तरह आप कूड़ेदान बना दो। ठीक है भाइयों, धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि हमारे संविधान संशोधन में आर्टिकल 73 और 74 में स्वच्छता भारत अभियान को रखा गया है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने नगर को स्वच्छ रखेंगे। तो आज हमने आपके सामने स्वच्छता के प्रति एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। इसमें मैं अपने सभी कलाकारों से और आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा, आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आज हम एक शपथ लेते हैं अपने देश को स्वच्छ बनाने की। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप अपनी ही जगह पे बैठ के ये अपने मन में ये स्वच्छता की शपथ लें, और मैं अपने साथी कलाकारों से ये अनुरोध करूंगा कि वो इस बात को रिपीट करेंगे कि मैं शपथ लेता हूँ ना गंदगी करूंगा, ना गंदगी होने दूंगा। मैं अपने समाज, अपने देश और खुद को साफ करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत। मैं अपना नाटक खत्म करने से पहला आप लोगों से अनुरोध पात्र परिचय करना चाहूँ। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर दू महावीर सिंह। महावीर सिंह आपके बीच में अलग अलग कलाकार मार आपके तालू का हम बोल चला। ये बात मैं अनुरोध कर दू नवीन चंद गौतम जी का सब काम ड्राफ्टो का भी होंगे। ये बात मैं बैठ कर दू जय सिंह अभी शुरुआत करना अपना नाटक हुई। मैं जय सिंह को बहुत आभारी हूँ कि यूं साथ दी। ये बात मैं बैठ कर दू मंदिर को याद जो कि हमारे समाज में आज के डेट में सबसे ज्यादा गंदगी फैलाने का कारण पॉलिथीन है, वेगु नेगेटिव रोल आपके सामने पर रखी है। एक बात मैं राहुल भाईजान इनवाइटेड हमारे साथ जिनके आपके बहुत सक्षम और गढ़वाली जो हमारी बोली संस्कृति है ये के प्रति ये बहुत ज्यादा जागरूक है। ये बात मैं इनवाइट करता हूं अपना नेताजी था प्रवीण सुथारे जिनके आपके सामने पर अलग अलग कलाकारों का बीच में आपके बीच में आए, और एक साथी कलाकार हमारे सिंह प्रवीण यूं थोड़ा शास्त्रीय ठीक जो होते ये बात ये वजह से हम दगड़ी जुड़ी नहीं पाए, लेकिन यूं भी यो पार्ट मर रहा है। तो और मैं मनीष बस धन्यवाद।